नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज हम आप सब सबसे ज़रूरी बात बताने वाले, जो चीज़ आप सब बार बार कमेंट करते हैं कि किसी चीज़ बिना ऐसे किए ही मतलब वो करते हैं ऐसे ऐसे, तो दोस्तों उसी चीज़ पे आज हम बात करने वाले। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले सभी दोस्तों को हमारे चैनल मिस्टर बिट्टू डॉट खुशी फैन में आप सभी दोस्तों को वेलकम टू स्वागत करती है दोस्तों। और ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, आप सबको बताते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले तो मेरी विद्या रानी एंड बाबू अब दोनों सो गया है, क्योंकि जब नहा रहे थे तो दोनों परेशान कर रहे थे। उसके बाद मैं इस सबको आए, फिर मनाए हैं, उसके बाद मेरे लोग सो गए, फिर हम जाके रेडी हो गए, फिर खाना खाया है। नहा के आया ना तो इतना लोग परेशान करते क्या ही बताएं। अभी तो देख लीजिए दोनों सो गए हैं। तो दोस्तों कुछ दोस्त है जो पूछते हैं कि मतलब हमें पूछते हैं कि मतलब खुशी है, खुशी जी मतलब ऐसे ही या खुशी मतलब ये रख के हम आपको बताते हैं। दोस्तों कुछ दोस्त है जो हमें बोलते हैं खुशी मतलब बिना नहाया स्नान किए खाना बनाती है, ऐसी है वैसी है। तो दोस्तों हम आप सबको बताना चाहते हो, हमारे घर में बच्चे लोग हैं, जैसे कि दो एक बेटी एक बेटा, मतलब दो बेबी मेरे पास है, दो बाबू मेरे जेठानी के पास है। अब मेरे घर में चार बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या है ना कि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, ठीक है, तब सुबह उठते हैं, उसके बाद घर का काम होते हैं, घर बाहर ना जैसे कि हो गया काम हम होते हैं, हम लोगों का घर का चूल्हा लीपना, बर्तन धोना। उसके बाद अभी कि क्या होता है ना, ये गर्मी का मौसम है ना, इस वक्त ना क्या होता है, 5 बजे ना 4:30 बजे एकदम फ्रेश हो जाता है, इधर पे नहीं कहीं भी हो जाता होगा तो ऐसा है, तो इधर पर फ्रेश हो जाता है। और हम लोगों का जो पापा जी है मम्मी जी है मतलब मेरे सास ससुर, वो लोग मतलब बाहर जाते हैं, जैसे खेत में जाते हैं, उनको खेत में काम होता है, जैसे गैया का लहना वहना इधर को जो क्या कुछ बोलते हैं उतना हमें आइडिया नहीं है, बोलते हैं जो लहना मतलब जैसे कि गैया का खाने वाला जो होता है वो लेकर मतलब आते हैं, है ना। तो घास जो बोलते हो क्या क्या वो सब करने मतलब जाते हैं। तो उन लोगों को मतलब हमारे सास मतलब ये सब बाहर जाएंगे तो भूखे तो नहीं जाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते सारा काम करते। तो आदमी फ्रेश होकर के सुबह में वो भी आदमी फ्रेश होता है, फिर काम करता है, फिर वो ऐसे करने से क्या होता है ना, गाँव के आदमी मतलब धूप में तो काम करने जाएंगे नहीं, सुबह ही जाते हैं, तो सुबह जाते हैं तो मतलब ब्रश व्रश करके फ्रेश होकर खाना खा के ही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग ना बोलते लेट हो जाएगा, बताइए नहाएंगे धोएंगे, फिर बच्चे भी रहते परेशान करते, फिर पूजा करेंगे। हम तो अभी हम नहीं करते पूजा, अभी 1 महीने तक नहीं करेंगे, अभी हमारा बेबी 1 महीने का नहीं हुआ है, तो 1 महीने के बाद ही पूजा वूजा किया जाता है, तो हम नहीं करते। बट हम मतलब सारा काम मतलब चूल्हे पे खाना बनाते हैं। एक तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक गर्मी है और गर्मी में चूल्हे पे खाना बनाते, तो उसके बाद खाना वाना बना के फिर सबको खिला के उसके बाद नहाया जाता है, तो फिर बुजुर्ग की मतलब अच्छा रहता है, मतलब पूरे दिन वो रहता है, फिर भी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। और ऐसे मतलब नहा के मतलब खाना बनाएंगे ना, तो ऐसे बनाते हैं ना दोस्तों खाना, तो मतलब इतना तो बनता नहीं, इतना बारह में बनता है हम लोग को खाना, तो जॉइंट फैमिली है तो ऐसा होता है दोस्तों। और बताइए ऐसे भी बनाते तो लेट हो जाता है, हम लोगों को गालियाँ खाने को मिलती है, बोलते कि इतना लेट हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब बताइए दोस्तों स्नान कर उड़ के मतलब सब कुछ करके बनाएंगे तो और ही 12 बजेंगे, तो 12 बजे वो लोग खा के नहीं जाएंगे धूप में काम करने, तो यही बात है दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो क्या होता है ना मतलब अगर हम लोग मतलब खाना बनाते तो ऐसा नहीं कोई भी आदमी फ्रेश होकर के ही सब कुछ करके भी खाना बनाते हैं, जिसके हम लोग उठते हैं तो काम करके फ्रेश हो लेते अच्छे से, उसके बाद ही खाना बनाते हैं ना। और रहेगा स्नान करने के बाद तो मतलब खाना बना के हम लोग कपड़े धोते हैं, मतलब दोस्तों आप एक मतलब एक दोस्त कमेंट भी किए थे कुछ दोस्त कि आप पूरे दिन का रूटीन वाले वीडियो बनाइएगा, तो हम उस पर बनाएंगे, फिर आप लोग देखिएगा तो आप सबको दोस्तों समझ में आएंगे खुशी मतलब कितनी दोस्त मेहनत करती है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है मतलब देखिए दोस्तों घर वाले मतलब कभी कभी आदमी होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं,
तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब जैसे मतलब जहाँ पर जिस टाइप का नियम रहता है ना उस हिसाब से चलना पड़ता है ना। अगर हम यहाँ पर गांव में हैं और शहर की तरह 10 बजे 8 बजे उठेंगे फिर खाना बनाएंगे तो फिर हमें तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर हमको तो डांट पड़ेगी, गाली मिलेंगी। और शहर के लोग क्या होते हैं, जैसे हम खुद अपनी बात कर रहे, जब अपने मायके गए थे तो खुद 8 बजे 7 बजे उठते थे, मतलब आप सब देखे होंगे, और उठते ब्रश करके फ्रेश होकर बोलते थे मम्मी खाना चाहिए, खाना खाएंगे। और यहाँ पर मतलब हमें नहीं, किसी भी मतलब शादीशुदा किसी भी औरत को मतलब ये सब करना पड़ता है। और आप तो जानते ही हम मतलब लव मैरिज है, और मैंने तो खुद गलती की तो मुझे ही वो करना पड़ेगा। तो ऐसा और खाना बनाने के बाद मतलब हम लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, हमें नहीं हमारे जितना जिठानी भी। अगर हम एक आदमी हम जैसे कि हम खाना बनाएंगे फिर वो रहेंगे, उनके भी बाबू है परेशान करते रहते हैं हमारे। ये है ना शिवांश इतना बदमाश करता है ना, वो तो मेरे पास उसको बुलाने से वो नहीं आता, इतना वो घूमता है और इतना वो खेलता है। और वो बेबी है ना अभी छोटी वाली बेबी है, वो तो वो भी रोती रहती है कभी कभी, खाना अगर खाना बनाते रहेंगे तो वो भी परेशान करती रहती है। फिर उनको लेके कुछ लोग बोलते हैं कि उनको गर्मी उससे आग के पास मत रखा कीजिए, तो रोती रहती है तो खाना भी नहीं बना देती। आजकल वो थोड़े दिन से ना इतना ज़्यादा रोती है ना का ही बताए, बहुत ही परेशान करती है। तो दोस्तों यही बात है और कुछ नहीं। और फ्रेश होकर जैसे कि हम लोग बाहर में रहते तो फ्रेश होकर नहाकर पूजा करके जैसे थोड़ा सा खाना बनाना, इतना सा गैस पे बनाना, हम लोग तो इतना मतलब 2.5 किलो चावल बनता है दोस्तों, कभी कभी 3 किलो भी बनता है, और रात को तो इतना रोटी बनता है हम लोग को, मतलब हम लोग ज्वाइंट फैमिली है तो ऐसा होता है। और शहर के लोग का क्या होता है, मतलब रहते हैं तो जैसे कि थोड़ा सा खाते हैं तो इस वक्त नाश्ता बन गया, बाद में थोड़ा सा चावल बना, फिर चावल दाल भिजिया सब्जी ऐसे खाते हैं, और शाम को फिर लंच में फिर लंच बनता है। और इधर पे क्या होता है, मतलब गांव में क्या होता है, रात को रोटी बनता है दिन को चावल बनता है, ऐसा होता है। और उसे क्यों कहीं जाना होना रहता है उस मौसम में, जो धान का मौसम होता है ना, जो धान रोपने उपनी होता है उस वक्त ज़्यादा सुबह को भी रोटी बनती है, क्योंकि उन लोगों को खिलाने के लिए बरेहन बनता है, रोटी बनता है, पूरी बनता है उन लोगों को खिलाने के लिए। बाकी इस टाइम ना कभी कभी बनती है रोटी सुबह को ना, तो रोटी नहीं बनती यूँ समझिए, रात को रोटी बनती है। और चावल बनता है ना तो सुबह में चावल खा ले, एक बार लंच में भी चावल ही खाएंगे, चावल दाल सब्जी चाहे जो भी साग वगैरह ऐसा होता है। तो गाँव में इसी टाइप का मतलब खाना बनता है और खाते भी सब लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नहा कर मतलब खाना बना कर उसके बाद सबको खिला कर उसके बाद मतलब हम लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद सॉरी पहले कपड़ा धो के फिर स्नान करते हैं, फिर स्नान करने के बाद बेबी लोग को सुलाते हैं, फिर टाइम मिलता है दोस्तों तो आप सबके लिए वीडियो शूट करते हैं। वो भी ये बीच में ना थोड़े देर के लिए सोए रहते थे, कभी कभी तो सोते भी नहीं देखते, कभी कभी मेरे शॉर्ट जाते भी नहीं है परेशान करने की वजह से, तो ऐसा होता है दोस्तों। तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि देखिए हम उन लोगों को भी तो देखिए दोस्तों, कोई भी आदमी कितना पहले उठेगा, 4 बजे उठेगा तो 1.5 घंटे में काम करके फिर खाना बनाएंगे, खाना बने चूल पे वैसे बनने में आधा 1 घंटा तो लग ही जाते हैं, तो 7-8 बजे लोग खा के फिर खेत में बाहर जाना होता है बस ऐसा। तो इसलिए हम लोग ना बिना नहाए ही बनाते हैं, नहाने में नहा के फिर नहाने के बाद क्या होता है, कपड़े पहनो, रेडी हो, बाल बनाओ, ये सब सिंदूर लगाओ, ये सब मेकअप औरत है तो सब कुछ वो करके फिर वो करेंगे, तब तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी, गर्मी में छूट और खाना जब धूप उग जाएंगे दोस्तों, जल्दी धूप उग जाते फिर धूप में आप चूल्हे पर खाना बनाएंगे तो और ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी तो होती है वो तो गोली मारो पहले उनको छोड़ो। सबसे पहले बात तो करके मतलब खाने में भी लेट हो जाएगा उन लोगों को, है ना, तो ऐसा होता है। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आप सबको मतलब ये बात हो गया, प्लीज़ दोस्तों आप सब माफ़ करिएगा, मतलब घर वालों को भी तो मतलब वो नहीं कर सकते ना, मतलब लेट से जाएगा तो फिर गुस्सा करेंगे ना हम लोग को, घर पे मतलब जल्दी मतलब खाना खा के उन लोगों को जाना होता है, बस यही बात। और दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो तब तक के लिए बाय बाय। और उम्मीद है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप सबको आप सब समझ गए होंगे, आप सब खुश होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सबको मुझे
उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए ओके बाय बाय। अगर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी खुशी दोस्त अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। तब तक के लिए ओके बाय बाय, लव यू, धन्यवाद दोस्तों।